इटावा में मड़ैया शिव नारायण निवासी कोरोना संक्रमित बुजुर्ग की मौत हो गई। इसी के साथ जिले में कोरोना संक्रमित लोगों की मौत का आंकड़ा 13 हो गया है। उधर शनिवार को 7 और पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं, जिनमें से 5 शहर के विभिन्न इलाकों के हैं। मड़ैया शिव नारायण निवासी 67 वर्षीय बुजुर्ग ने सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। उधर शहर के मोहल्ला अशोकनगर, फ्रेंड्स कॉलोनी, मेवाती टोला, करमगंज, पोस्ती खाना, छिपेटी तथा बसरेहर व सैफई यूनिवर्सिटी में एक एक नए कोरोना संक्रमित शनिवार को मिले। शनिवार को जिले में 7 नए कोरोना संक्रमित मिलने के साथ जिले में अब तक कुल कोरोना पॉजिटिव मिले मरीजों की संख्या 250 हो गई है, जबकि मृतकों की संख्या 13 हो गई है। वहीं 120 लोग कोरोना संक्रमण को मात देकर अपने घरों को लौट चुके हैं। शनिवार को जिन स्थानों पर संक्रमित मरीज मिले वहां व्यापक स्तर पर सैंपलिंग के साथ सैनिटाइजेशन कराया जा रहा है। संबंधित इलाकों में हॉटस्पॉट के प्रतिबंध लागू किए गए हैं। प्रशासनिक अधिकारी लगातार मूवमेंट कर लोगों से घरों में ही रहने की अपील कर रहे हैं। उधर इटावा सदर में 9 हॉटस्पॉट समाप्त कर दिए गए हैं। उप जिलाधिकारी सदर सिद्धार्थनाथ ने बताया कि मेडिकल प्रोटोकॉल के अनुसार कोई नया पॉजिटिव न आने के कारण और पूर्व में पॉजिटिव आए व्यक्तियों के नेगेटिव आने के कारण तहसील सदर के अंतर्गत निम्न हॉटस्पॉट को समाप्त कर दिया गया है। पजाबा पूर्विया टोला थाना कोतवाली, कटरा सेवाकली थाना कोतवाली, नौरंगाबाद थाना कोतवाली, महेरा फाटक थाना कोतवाली, नगला खादर थाना इकदिल, मोहल्ला खिड़कियां नेविल रोड थाना कोतवाली, लालपुरा थाना कोतवाली, बराही टोला थाना कोतवाली, शिवनगर थाना, फ्रेंड्स कॉलोनी। ब्यूरो रिपोर्ट, तेजस खबर।